सो यहाँ मैं नईम और आयशा से भी पूछना चाहूँगी. नईम को मैंने एज मॉडल तो कई जगह देखा है, फिल्मों में भी आए हैं, ड्रामे कम किए हैं ना? कम किए. हाँ, यलगार और मान जाओ दो फिल्में की. जी, दो फिल्में. हाँ, सो आयशा ड्रामे की फील्ड में मिली, फिल्म की फील्ड में मिली, मॉडलिंग की फील्ड में मिली, क्योंकि इनका तो शो बिजनेस से ताल्लुक नहीं है. हाँ. किधर से मिली आयशा? आयशा बड़ी वैसे इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये. हाँ. हुआ कुछ यूं के हमारे एक रिलेटिव थे जी. वो इनके मिलने जा रहे थे तो कहने लगे कि एक बिजनेस मीटिंग है. हाँ. तो आप मेरे साथ चलिए. अच्छा. तो हम इनके घर पे गए तो वहाँ पर एक मैगजीन रखा हुआ था. अच्छा. और उसके कवर पेज के ऊपर ना मेरी मॉडलिंग की पिक्चर थी. अच्छा. और उस मेरे अंदर आने से पहले ये इनकी वालदा ने इनसे कहा कि अब तुमने इंडस वैली से ग्रेजुएशन कर ली है तो तुम अब शादी कर लो. You should get married. अच्छा, क्यों, किस सब्जेक्ट में की थी आपने? फैशन से कोई रिलेटेड? टेक्सटाइल डिजाइनर. ओके. अच्छा, रिलेटेड भी वही था. हां, तो इत्तेफाकन इन्होंने कहा अच्छा अगर मुझे ऐसा कोई लड़का मिल जाए जस्ट रैंडमली तो मैं उससे शादी कर लूंगी. ये तो कभी कबूलियत की घड़ी होती है? एग्जैक्टली. ऑनेस्टली स्पीकिंग ये उन्होंने बोला. आप अपने नाना से मिलने आपकी तरफ नहीं आई? आप गए थे ये मैगजीन के थ्रू मुलाकात हुई है. और ये तो इन्होंने बड़े प्यार से और उससे बताया है कि बिजनेस मीटिंग के लिए आए थे. असल में तो दोनों डिस्कस करके आए थे कि वो आंटी के घर चलते हैं, आप भी चलेंगे, वहाँ उनकी बेटी भी है. ओहो, अच्छा. भाई एग्जैक्ट वर्ड्स ये थे, उन्होंने कहा उनकी बेटी बड़ी हॉट है. मैंने कहा मुझसे भी ज्यादा. तो आपका इरादा था कि भाई काम वाम कर रहा हूँ मैं, सेटल हो गया और शादी वादी हो जाए मेरी? एक्चुअली उस वक्त मैं देखा लड़कों के रिश्ते के मॉडल्स के भी रिश्ते की प्रॉब्लम होती है. मैं आपको बता रही थी ना, पॉलिटिशियंस और शोबिज वालों को मुश्किल से रिश्ते. नहीं तो पॉलिटिशियन और शोबिज वाले दोनों एक्टर्स तो होते हैं. लाइफ में एक्टिंग ही तो चल रही होती है. इन्होंने जो ये डायलॉग बोला ये तो हम कई बार. अच्छा, फिर आप गए, लड़की ने कहा अगर ऐसा मिले तो कर लूंगी और सामने आ गया वो. हाँ. अच्छा, फ्रैंकली स्पीकिंग जब सामने आया तो मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि मैंने उस तस्वीर पे रख के बोला था उसके साथ. मैंने तो ऐसे रैंडमली अम्मा को बोला हाँ ढूंढ लीजिएगा ऐसा कोई मिला तो कर लूंगा. हाँ, मैंने कैटलॉग वहीं पे डाल दिया टेबल पे. फिर ये हमारे घर आए तो इनकी जो वालदा है वो कहने लगी कि आप कहीं देखे देखे लग रहे हैं. तो मैंने कहा अभी ये खातून है 50-55 साल की तो मैं अभी इनसे क्या बात करूं. तो मैंने कहा नहीं नहीं आंटी, मैं तो बहुत कम घर से बाहर निकलता हूं. हाँ. तो कभी हो ही नहीं सकता. मशरकी लड़का हूं मैं. ऐसे अरे आपको तो अभी बोल रहे हैं आप तो, मुझे तो इतने इंडस्ट्री में साल हो गए तभी भी मुझे कहते हैं बाजार में सनेहा आप कहीं देखी देखी लग रही. मैंने कहा हां भाई मेकअप नहीं किया हुआ मैंने. तो उसके बाद जो है वो मैं अपने घर गया और उस वक्त मैं एनसीएस से पढ़ के निकला था और मैं उस वक्त इंग्लैंड जा रहा था मास्टर्स के लिए. अच्छा. इंटीरियर आर्किटेक्चर में. अच्छा. तो 3-4 दिन के लिए मैं कराची में रुका. लड़का पढ़ा लिखा भी था भाई. तो मैं ये सोच रहा था कि अगर मेरी इन 3-4-5-10 दिन में कहीं किसी से मुलाकात हो जाए. हाँ, सच में. हाँ, और मेरी अगर शादी हो जाए. हाँ, तो ठीक है. अगर मैं वहाँ इंग्लैंड चला गया तो फिर आपको पता है अक्सर बच्चे जाते हैं तो वो वहाँ शादियाँ नहीं करते, वो भी पढ़ाई में ही लग जाते हैं या फिर गोरियों से कर लेते हैं शादी. हाँ, क्योंकि यंगर एज में एक अट्रैक्शन होती है. हाँ, तो वो है. तो अगले दिन. हाँ, मैंने इनका नंबर लिया और मैंने इनको कॉल किया. अच्छा. और मैंने इनसे कहा कि मैं कल आपके यहाँ आया था, मेरी आपसे सरसरी मुलाकात हुई है. तो क्या ये ट्रे में कुछ कोल्ड ड्रिंक या कुछ लेकर आई थी या ट्रॉली लेकर आई थी, क्या कैसे आपने देखा था? नहीं, मेरा ख्याल है. नो ऐसे नॉर्मली दे वर इन आवर ड्राइंग रूम. अच्छा. और आई थिंक नईम ने मेरी अम्मी से बोला आपके घर में कोई आर्टिस्ट है. हाँ. हमको तो पहले ही पता था कि कोई है. अच्छा. तो मैंने कहा हाँ मेरी बेटी है ना, तो मेरी स्टाइल किया है उसने. मैं तो आई स्टिल रिमेंबर, मैंने तो सर पे तेल लगाया हुआ था, दुपट्टा सर पे पहना हुआ था एंड आई जस्ट एंटर्ड द ड्राइंग रूम और मैंने कहा जी सलाम अलैकुम एंड आई वाज लाइक आई वाज उनको सिर्फ आर्टिस्ट चाहिए थी कि मेरी तरह मैं भी आर्किटेक्ट हूँ तो मुझे भी कोई ऐसी मिल जाए आर्टिस्टिक. सो इस तरह से फिर बस 5 मिनट की मुलाकात हुई. हाँ. तो मैंने इनको कॉल किया. हाँ. और मैंने इनसे कहा, मैंने कहा आपकी शादी हो गई? तो कहने लगी नहीं. मैंने कहा कि आपको कोई पसंद है या आपकी वालदा ने या वालिद ने? तो इनका मेरे वालिद तो नहीं है, उनकी तो अर्ली एज में डेथ हो गई थी और एक बड़े भाई हैं वो इंग्लैंड में डॉक्टर हैं. माशाल्लाह सब बता भी दिया पहली 20 साल से. तो मैंने कहा मैं इंटरेस्टेड हूँ. हाँ. तो मैं क्या करूँ, अपनी वालदा को भेजूँ या कराची में मेरी खाला होती हैं. हाँ. उनको मैं बोलूँ कि वो आपके आए और बातचीत शुरू करें? तो ये खामोश हो गई. हाँ. तो अब जाहिर बात है हम इंडस्ट्री में थे,
लड़कियों को फौरन जांच लेते थे, तो ये जो थोड़ी देर की खामोशी थी ना, मैं कहा ये लड़की तो शरीफ है। तो इन्होंने कुछ देर की खामोशी थी, शोर आ गया। कहाँ यार मेरी खामोशी, खामोशी खत्म हुई, फिर शोर आ गया है। अच्छा, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द लेटेस्ट ड्रामास।